राम राम घनश्याम भाई। राम राम। और कोई? बस बढ़िया आराम कर रहा है यार। करेंगे आएगा? बस ऐसा घूमता फिरता आएगा यार। उनको देख ही ले वहाँ कहीं कर रहा अपना किसान भाई। बस ऐसा आराम कर रहा है यार गर्मी में। क्यों यार? काकड़ा उकड़ा सब लगे देखे? कहाँ लगा यार, पानी वानी की कमी छे। पानी की कमी? और कहीं पानी नहीं है, सूखा बटिया। अच्छा, और कहीं चली रहो फिर? बस खेती वेत की तैयारी कर लिया। तुम तो खूब आराम कर रहे यार। आराम का पानी की वाट देख ही रहा, पानी पड़कता हूँ वहाँ, घनी परेशानी छे यार, काई करा। तो कहीं नहीं है जगह से, मतलब अपन काकड़ा लगाई सका, ऐसी कहीं की तकलीफ नहीं है? पानी भी कम छे, ड्रिप लाइन की फाइल वाइल लगाई छे। अच्छा। वो भी साल भर हुई को ड्रिप लाइन कहीं लगी नहीं रही, कहीं फाइल मंजूर हुई नहीं रही। अच्छा। अब कहाँ होज काई होज कहीं पक्को नहीं है। तो यार पर कसो हाथ पर हाथ धरन बटना से काम थोड़ी चला गया यार। अब बारिश को काई ठीक कब होए कितनी होए। अब कम पानी में काई करा यार, फालतू बटिया आज कम पानी में काकड़ा लगेगा नहीं, काकड़ा लगी जाएगा तो अलिंग दिवा अलिंग मरेगा, काई मतलब निकलेगा। काई यार सचिन भाई, तुम तो बिल्कुल निराश हुई बैठेगा। अभी जमानो काई चली रहो यार, सब नई नई तकनीक न चली रही न, है ना? अभी मतलब किसान काई नहीं करी सकते, जरा सोचो का बारा में कि काई करी सका है ना? क्योंकि अपनो बारिश को कपास तो अच्छो, मतलब जो से बहुत सारी परेशानी ना हो जो काम। गर्मी को कपास लोग को अच्छो एवरेज भी मिले जो आवाज नहीं, पैसा नहीं था आवाज। तो थोड़ो एक जो से दिमाग लगे ना, अगर अपन सोचा है नहीं, तो अपना जो आसपास भी बहुत सारा लोग जो से नई नई तकनीक नसी खेती कर रहा, जो अभी गर्मी में कपास लगे रहा, मतलब बिना पानी से भी जो है कि नहीं बारिश के लिए कपास तैयार करी सके, बिना पानी के कपास पकज के। अरे यार सचिन भाई, खाट पर सवड़ों से काम नहीं चलेगा, अभी कितो महत्वपूर्ण समय निकले ही रोज है ना? अभी हो जा देखी ना रो, अपना शिवदत्त काका है अभी कहाँ पानी छे, पर उन्होंने ना भी कहीं पन्नी वन्नी लाई करी जो है कि नहीं बढ़िया कपास का बीज को अंकुरण करी लियो, और वो अभी जो है कि नहीं बारिश वाला साकेड़ हुई जाएगा। उन्होंने कितना बढ़िया तरीका से जो है कपास का बीज को अंकुरण करी लियो है नहीं, और वो खेत में लगाओगे जब तू तुम्हारा साकेड़ निकल जाएगा और तुम बारिश में लगाओगा। अरे यार अब का ही करा, हम तो हताश होने बटेला से। नहीं तो चलो नहीं, अपन बताओ तुम कहो। चलो देखो क्या उपाय बताओ तो अपन भी कर ले वहाँ, नहीं थरी। चलो चलो। अरे राम 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 राम। आओ घनश्याम भाई, कलिंग भुला पड़ेगा यार, घूमता फिर रहते जंगल में, हमारे खेत में आएगा यार, आओ। अरे ये हम आज आयो तो गांव में, तो सचिन भाई बैठेला था, सोयल था खाट पर, तो मन पूछो कि कहीं काकड़ा वकड़ा लग ही जाती कि यार पानी वानी कहीं है ही नहीं अपना पास, तो बोले बारिश को रस्तो देख ही रहा है, तो मना फिर इनका बताओ कि यार अपने शिवदत्त काका जी जो थे नर्सरी तैयार करी रहा कपास का बीज की, तुम उनको तम भी देख लियो ठीक है नहीं? हाँ? ताकि बारिश जैसी आवा को मतलब अपन काम हो जाएगा, हो जाएगी नहीं? नहीं, नहीं तो बारिश को कपास तो लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा नहीं? हाँ तो वो तो हाँ घनश्याम भाई बैठो सही, अब ऐसा कर रहा है मेहनत यार, पानी कम होने कारण। काका जी बताओ मक्का भी कैसा काई करिया तुमने? हम भी तुम्हारा जैसे काम बैठे सो, पानी बिल्कुल कम नहीं है, जरा सो पानी रोपो हम पानी देते सो, तो फिर हमने बटा बटा दिमाग लगाया कि भाई नर्सरी पॉलिथीन थैली तैयार कर ले, काम काम मिलेगा, दस बारह तेरह दिन को पौधा होगा, मेरे खेत में सेविंग कर दिया, धीरे धीरे अब टोया टोया देने पानी उगाड़ लिया कपास। हाँ काका ये तो कसो का ही गणित ज्ञान है सब, बताओ यार हम भी अगला साल देखो इधर लगाऊंगा वहाँ। अब एक तो भाई पहले हमने चलना से मट्टी छान ली और काम खाद मिलाया, खाद मिले ना फिर हम रेत भी डाले कि पानी अंदर अच्छे जल्दी पी ले, कल रेत भी मिले, और पन्नी में दो दो छेद करेगा हम कि पानी ज़्यादा कम थी अपना डले जाए कम से कम नीचे हो जाए, पौधा का हवा पानी लगे तो पौधे का अच्छे चले, फिर हम दो तीन साल से आसो लगे रहो, पानी तो अपना पास शुरू से कम छे, ट्यूबवेल भी छे वो सक्सेस नहीं है, ड्रिप भी कहीं लेवा दिन फाइल लगाई ली छे, पर फाइल अभी साल भरी लग पड़ी जब कहीं बनी नहीं फाइल, अपने ये अपने दिमाग से फालतू रहा ये लगे यार, तभी दो एकड़ को अपन ना पौधा तैयार कर लिया, पानी पड़े हो कि खेत धर दे वहाँ का। तो कितनी पन्नी लगी जाए काम अपन का? ये काम जैसी पन्नी ले
छोटी बड़ी पन्नी भी आवे तो अपने बड़ी पन्नी रखी कि अपने पास देर से बोनी लगी तो अपने बड़ी पन्नी ली। एक एक एकड़ का लेन 2 किलो पन्नी पर्याप्त है अभी। हाँ 3000 3500 पौधा तैयार हो जाएगा। अच्छा। और ये अब एक एकड़ में एक पैकेट काकड़ा अच्छा आराम से लगी जाए। सावधानी ये पानी शाम की टाइम एक टाइम पानी अपना पानी रोज छिड़नू पड़े। पानी तो अपना पक्का में एक एक टाइम पानी छिड़ दिया। हाँ टंकी से हाँ पानी अपन तो हाथ से छिड़ दे पानी ले लिया बर्तन में छिड़ दिया पानी। हाँ ये पौधा अभी सूखा में देखे ना अभी लगे रहा है। अब पानी 2-3 रोज तो देना नहीं पड़ेगा। फिर अगर आवश्यकता पड़ी बारिश नहीं हुई तो अपन टोया दे देवांगा मजदूर। टोया देने से एक एक प्रोजेक्ट टोया मिलेगा फिर 8-10 रोज फिर कोई देने जरूरत नहीं पड़ेगी। आप झाड़ सक्षम है वो तो मतलब तुम तो बारिश का किसान में से आगे जाओ। बारिश के अपने खटपट करी तो खर्चो भी करे और मेहनत भी करी। पानी अब अपना पास पानी पर्याप्त है ही नहीं। अच्छा। ये भाई ये कल लगे 2-3 साल पहले भी ऐसा लगाया था अपन। अच्छा रहे सक्सेस रहे अपने उंडाले का बाद वाला साथ बराबर हुएगा। बीमारी कम आवेगा कम हरा मच्छर को समय निकली जाएगा कम दूसरी बीमारी सबको समय निकली जाएगा पौधा बड़ो हो जाएगा। बारिश की बीमारी बारिश के बाद नाना प्रकार की बीमारी आवत कारण लगे दियो जो तो पानी पड़ा के तो नहीं पड़ा। हाँ उंगड़ा में भी दिक्कत उंगड़ में एकम का है कि अपना 90% काकड़ो उगी आवाज। हाँ। और जो थैली उगी वो पौधों खाली जगह खाली नहीं रहती खेत में। हाँ, आगा पीछा भी आगा पीछा भी नहीं होता। ये फायदा ये भी छे अब धाम तैयार होएगा अब इनका लगाओ। हाँ ये अभी पौधा तैयार होएगा अब लगे रहा नहीं खेत में लगी रहो आज। चलो देखा। हाँ चलो देखो चलो पहले लांगी डाल दी। लांगी डालने के बाद फिर कानख्या गाड़ दिया। कानख्या गाड़ने के बाद खड्डा खोदी ना गस्ती से पन्नी की फाड़ी ने इनके जहाँ उनको निशान आए रो 5x3 को लगे रहा ये खड्डो कर दिया जस्टिस खो दी ना। फिर एक बार अपन देख लिया अपने निशान सामने अगर पन्नी का काट ले लो एक एक पन्नी काटी ना पन्नी निकालना बहुत जरूरी है। अगर पन्नी नहीं निकालेंगे देखिए जड़ वहाँ की वहाँ। हाँ गड़ हाँ पौधो पौधो पीलो पड़ दो जाएगा पौधो बढ़ेगा नहीं। पन्नी निकालना बहुत जरूरी है। पन्नी जाना पौधा में रह जाएगा पौधो को विकास रुकी जाएगा। और इस तरह से लगा दो पन्नी खड्डा लगा दो बाद बुझ दो। हाँ इस तरह से पौधा लगाता चले जाओ। ये कहीं सुखा में लगाओ तुम। हाँ गड्ढो करे ना लगे दे वहाँ फिर एकदम टोया दे तो टोया नहीं फिर थोड़ा बहुत पानी छे पिलाएंगे इससे पानी पिले दे वहाँ। अब मौसम भी आएगा एक आधे पानी की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा तब तो पानी आई रहा टोया भी दे सका अगर पानी कम पड़ेगा और पौधे लगाना होगा। हाँ ये लगे दिया अच्छा लग जाए तो बहुत अच्छा लग जाएगा। अभी अभी एक बारिश हुई तो ये जो गर्मी कपड़ा अपने भाई लोग लगा रहे हैं उसके साथ दिखेगा उसके बराबर। अब एक काम का ही अपना पानी थोड़ा बहुत हो है, तो पानी समूनी दे दो नहीं फिर टोया से भी काम देखी जाए। और टोया दे दे 2 रोज बारिश 4 रोज बारिश आई रही जब तक दम मारी जाएगी एक टोया दे दे तो अभी 4-6-8 रोज निकाल दे पौधे क्योंकि पौधे तैयार है अपना पास और थैली पहले से गीली से एकासे तुम्हारा काम अपना उस प्लाटो काम देखी जाए। और अपन गर्मी वाला कपास वाला साथ में होगा अपन कपास उत्पादन तो लिया जो गर्मी के ड्रिप से लगे दिया से अपन लैंगिस लगे दिया पानी नहीं होने कारण अपन थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगा भाई। बहुत अच्छा बताया काका जी ये तो आशा। हाँ तो हम भी करूँगा बिल्कुल। हम तो हर किसान कर रहा है तो फायदा लेगा जितना भी किसान भाई हो जगह पर पानी का साधन कम से वो ऐसी पद्धति वापरी तो अपने परिवार का लोग सब काम कर लिया छोटी मोटी खेती करी ना। तो काका जी आपने जो यह नर्सरी तैयार करने की और कपास का मतलब उगाने की जो कम पानी मत जो तकनीक बताई बहुत ही अच्छी थे और आपने जो समय दिया हमको और बताओ कलन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपना किसान का और बताऊ भी अपन का। हाँ लाओ ना बताओ और अच्छी पद्धति से हर किसान की बात बताओ आप लोग भी और हम भी बतावांगा। और अपना दूसरा किसान भाई ना का तुम कई कहना चाहोगा। किसान भाई को राम राम। मैं ग्राम रुई का निवासी हूँ शिवदत्त पिता ओंकार लाल साहू मेरा नाम है और राजपुर तहसील का और बड़वानी जिला का रहने वाला हूँ। और ये पद्धति मैं 2-3 साल से अपना रहा हूँ। अभी ये नर्सरी अपन भले पानी कम हो तब भी अपन अपना घर घर भी तैयारी कर सका खेत में नहीं हो तो घर भी कर सका भले हेडपम्प से पानी ले आओ आसपास अगर पानी आई जाए तो 2 किलो पन्नी 3 किलो 2 एकड़ को पानी हर किसान लगे सके। और ये ना किसान ये गर्मी कपास जो लाभ अपना दे वो लाभ अपन ले सका। और हम 2-3 साल से ये काम कर रहा है कि पानी है नहीं फाइल लगाई ली फाइल अभी कहीं मंजूर हुई नहीं और कड़की में भी अपना लाभ भी नहीं रही
एक अच्छो लाभ मिली रहो अपने हर किसान भाई ने ऐसा करना चाहिए जो पास पानी कम है और हर भाई फायदा इन पद्धति से अपन ले सकें। और मैं चाहता हूँ कि सब अपने एरिया में हर किसान ऐसा अपनी पद्धति वापर ले तो बहुत अच्छा है। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम घनश्याम पटेल है और मैं आशा संस्था से हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा, नर्सरी तैयार करने की जो पद्धति आपने देखी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है उसके हिसाब से इस तरह से इस पद्धति को अपना करके ही अपना किसान जो है विकास कर सकता है। क्योंकि आज भी हमारा कम से कम 50% किसान बारिश पर आधारित है और बारिश वर्तमान समय में कोई ठीक नहीं होता है कि कब अधिक बारिश हो कब कम बारिश हो। तो हमारे जिन किसानों के पास पानी है वो तो आराम से गर्मी का कपास उगाते हैं और उसका अच्छा लाभ लेते हैं, लेकिन जो किसान भाई कम पानी होने की वजह से या कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से इस तरह से गर्मी का कपास नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोग इस पद्धति का उपयोग करके अपना कपास की नर्सरी तैयार करके कपास की खेती कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अतः मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इस तरह से कपास की नर्सरी तैयार करके और बारिश में भी गर्मी का कपास लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से शिवदत्त काका ने नर्सरी तैयार करने की आधुनिक पद्धति का उपयोग करके अपना समय अपना पैसा बचा करके और कम लागत में गर्मी का कपास तैयार कर लिया, अतः आप सभी भी जो बारिश पे निर्भर है वो लोग भी इस प्रकार से नर्सरी तैयार करके कपास के बीज का गर्मी का नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।